वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नितिन और आपके साथ पढ़ रहे हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें आपको मैंने याद होगा पिछले दो लेक्चर से समझाया था ऐसे करेक्टरिस्टिक्स टाइप्स और इसके कितने टाइप मेनली हम डिस्कस करते हैं। मेनली हम तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ बात करते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। आज बात करनी है हमको कि ये तीनों होते क्या हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस क्या हैं। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले अपनी जेब में रखा हुआ एक नोट है जो वो निकाल लो और उसके ऊपर देखो आरबीआई ने गवर्नर ने क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। ठीक है, सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस प्रॉमिसरी नोट एज अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नोट बींग ए बैंक नोट। हम इसको ये नहीं कह रहे कि बैंक नोट प्रॉमिसरी नोट है, सॉरी, नॉट बींग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट। वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको प्रॉमिस किया जा रहा है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आज आपने किसी से सामान खरीदा, अब सामान खरीदने के बाद बायर ने बोला कि मैं आज पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा 3 महीने बाद। अब आपकी कुछ रेपुटेशन है कंपनी से, पुरानी रेपुटेशन रेस्ट है, तो हमारी कंपनी ने कहा कि नहीं मुझे गारंटी दो, कुछ लिख के दो डॉक्यूमेंट। तो हमने उसको क्या लिख के दिया कि आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज दिस मच अगेंस्ट बिल नंबर दिस डेटेड दिस एंड आई विल पे यू। तो जिस प्रॉमिस को जो बनाता है, जो जो प्रॉमिस कर रहा है वो हो गया हमारा मेकर, और जिसको पेमेंट जाएगी बाद में वो हो जाएगा पेई। ठीक है, वो पार्टी टू द प्रॉमिसरी नोट कौन हो गए? दो, एक तो प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला मतलब प्रॉमिस करने वाला उसको बोलते हैं हम मेकर, और जिसको किया गया है प्रॉमिस, जिसको पेमेंट मिलेगी बाद में वो बन जाएगा पेई। ठीक है, तो मेकर और पेई क्या होते हैं? द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड प्रोमिसज टू पे, हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड प्रोमिसज टू पे, सो ही बिकम्स मेकर। और जिसको पेमेंट दी जाएगी वो क्या बन जाएगा? द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, ही बिकम्स द पेई। अब इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि क्या इसमें होना चाहिए प्रोमिसरी नोट के लिए, तभी आप कहोगे ना कि हमारे करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट नहीं है। द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, नंबर वन। इट मस्ट कंटेन एन अंडरटेकिंग टू पे, कि मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको पे करूंगा, यानी कि आपको ऑर्डर कर रहा हूँ कि आप मुझे पे करो। ऑर्डर होगा तो वो हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। द प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल, आपसे मैंने सामान लिया फिर बोल रहा हूँ कि अब मैं पैसे तब दूंगा जब अगली बार तू मुझे उधार देगा, ऐसा नहीं हो सकता। अनकंडीशनल मतलब मैं आपको पैसे दूंगा इसके बदले जो आपका काम हो चुका है। द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, ब्लैंक ना तो चेक चलते हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज ना आपके प्रोमिसरी नोट, साइन करना जरूरी होता है। द सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, स्पेसिफिक अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको। आई प्रोमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज 10,000 अगेंस्ट बिल नंबर दिस डेट नंबर दिस इनवॉइस नंबर दिस, जो आपको लिखना पूरा उस प्रोमिसरी नोट में लिखा जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अ प्रोमिस टू पे अ मनी एंड मनी ओनली, यानी कि मैं आपके लिए कुछ और काम कर दूंगा नहीं, सिर्फ पैसे दूंगा। द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन, जो बना रहा है वो भी सर्टेन और जो पैसा पाएगा वो भी स्पेसिफिक पर्सन होगा इसमें। स्टैंपिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज एसेंशियल अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 एंड अनस्टैम्प्ड प्रॉमिसरी नोट इज नॉट एडमिसिबल टू एविडेंस एंड नो सूट कैन बी मेंटेन्ड। इट मस्ट बी कंटेनिंग अ डेट ऑल्सो, कि किस डेट पे पैसे दूंगा आपको मैं। द लिमिटेशन पीरियड फॉर अ प्रॉमिसरी नोट टू फाइल अ सूट इज 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, जिस दिन आपने उसको एक्सेप्ट किया तब से लेकर के अगले 3 साल तक वो वैलिड रहता है। तो इन सब के एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल सिंपल है। आई प्रोमिस टू पे और ऑर्डर 500, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इनडेप्टेड टू बी इन 1,000 टू बी पेड, ये सब एक लैंग्वेज है प्रोमिसरी नोट लिखने के। मिस्टर बी आई ओ यू, मिस्टर बी देखो कैसे है, मिस्टर बी आई ओ यू, ये इंग्लिश का पूरा सेंटेंस है, आई ओ यू ओ डब्ल्यू ई ओ, कि मैं आप मुझे आपको देने हैं 1,000। आई प्रोमिस टू पे बी 500 एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम, इस तरह की लैंग्वेज इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि कौन सा हमारा प्रोमिसरी नोट है या नहीं है। तो अब वो कहते हैं
कि इन सब में से कौन कौन से प्रॉमिसरी नोट माने जाएंगे। तो अगर सबकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो कहते हैं द इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टिवली ए एंड बी आर प्रॉमिसरी नोट्स। देखो सिर्फ ए और बी प्रॉमिसरी नोट है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर प्रॉमिस छलक रहा है। द इंस्ट्रूमेंट्स रिस्पेक्टिवली मार्क्ड आर सी डी ई एफ जी एच आर नॉट प्रॉमिसरी नोट। नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस बिल ऑफ एक्सचेंज एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। पीछे क्या था? अनकंडीशनल प्रॉमिस, यहाँ पे है ऑर्डर। ए ने बी को सामान बेचा, बी ने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, मैं आपको इसके बदले कुछ इंस्ट्रूमेंट दे सकता हूँ। तो बी ए ने क्या कहा कि ठीक है मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, लिख के आई ऑर्डर यू टू पे मी अ सम ऑफ ₹10,000 ऑन दिस डेट। वो हो गया एक ऑर्डर, वो बिल ऑफ एक्सचेंज पे होगा जिसको एक एक्सेप्ट करेगा और एक उसकी कॉपी रखेगा। तो जो एक्सेप्ट करता है उसकी कॉपी बन जाती है बिल रिसीवेबल, और जिसको मिलना होता है वो बन जाता है बिल्स पेएबल। ठीक है, तो आज अगर मुझे पेमेंट देनी है तो मैं बनूँ, मेरे पास कॉपी होगी बिल्स पेएबल की, और जिसको पेमेंट लेनी है उसके पास कॉपी होगी बिल रिसीवेबल की। इट इज साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द बियरर ऑफ और टू द ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पार्टीज कौन कौन होती है इसमें? तीन पार्टी हैं, ड्रॉअर जिसने बिल लिखा, ड्रॉई जिसके ऊपर बिल लिखा गया और उसने एक्सेप्ट किया, और थर्ड पे। पेमेंट अल्टीमेटली किसी को भी मिल सकती है क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स हो सकते हैं। ड्रॉअर द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे, ड्रॉई द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे। तो ए ने अगर बी पे ड्रॉ किया तो ए ने ड्रॉ किया तो ड्रॉअर, बी पे ड्रॉ किया तो वो ड्रॉई। पे द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पे। हो सकता है कि उसके अंदर बेयरर हो इंस्ट्रूमेंट, तो कोई भी इंसान जो उसको लेकर आएगा उसको पेमेंट मिल जाएगी। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज आगे ट्रांसफर कर दिया था या डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो पेमेंट ले लेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में होना क्या क्या चाहिए? रिक्विजिशंस, नंबर वन, अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी ड्रॉन अनकंडीशनली। ये नहीं कि मैं तुझे पैसे तब दूंगा जब मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, कोई कंडीशन नहीं डालने दोस्त। दो द एक्सेप्टर और द एंडोर्सर मेक हिज लायबिलिटी अनकंडीशनल, डायरेक्शन ऑफ पेमेंट बाय द ड्रॉअर मस्ट नॉट बी मेड टू डिपेंड अपॉन एनी कंटिजेंसी। ये नहीं कि कुछ कंटिजेंसी होगी तो ही पेमेंट करूंगा, आपने पेमेंट देनी है तो देनी है। देयरफॉर इट इज द एसेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इट शुड बी पेएबल एट ऑल इवेंट्स एंड इट मस्ट अपीयर सो ऑन इट्स फेस। ये नहीं कि आप अनकंडीशनल की जगह कंडीशन लगा दोगे, नहीं तो जिंदा रहा तो ही पैसे दे दियो, ऐसा नहीं है सर। आई एम ऑर्डरिंग यू टू पे माई मनी क्योंकि आपने मुझसे उसके बदले कुछ लिया हुआ है। द कंसिडरेशन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी पेड ओनली बाय वे ऑफ मनी, काम नहीं करूंगा, पैसे दो सिर्फ। द अमाउंट टू बी पेड शुड बी सर्टेन, सर्टेन अमाउंट। देखो कुछ कुछ चीज़ें ना बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको। द टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट बी इंडिकेटेड, टाइम मस्ट बी इंडिकेटेड। ऑर्डर टू पे, इट इज़ एन ऑर्डर टू पे, ये नहीं है कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आई एम ऑर्डरिंग यू टू पे मी आफ्टर 3 months, ये क्योंकि आपने मुझे देना है तो आपको देना पड़ेगा। इट इज़ एसेंशियल दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड पॉइंट आउट विद सर्टेनिटी द पार्टी हु एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेड बाय द टर्म्स, दस द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर इज नेसेसरी। अगर आज मैं किसी पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता हूँ तो मेरा साइन पहले होंगे। And there cannot be a bill even if the instrument is accepted without signature. Without signature, कोई भी bill नहीं माना जाएगा। It must indicate a drawee who should be called on to accept or pay it. A ने कहा मैं bill of exchange लिख रहा हूँ, किस पे लिख रहे हो? अरे ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो नहीं माना जाएगा। आपको किसी ना किसी को direct लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे I order Mr. B to pay a sum of rupees this against this bill or invoice. It should specifically mention the date and place the payment or the place where it is drawn. Every bill of exchange must be stamped according to the provision of Indian Stamp Act 1899. अब आते हैं तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे घरों में बहुत यूज होता है, आपने बचपन से देखा होगा, चेक आज भी देखते हैं हम।
सेक्शन सिक्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस चेक एज अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन डायरेक्टली आपको पैसे देने के लिए नहीं बोला जा रहा। इसमें आप जो चेक लिखते हो ना, तो आप बैंक को ऑर्डर करते हो कि मिस्टर बैंक पे दिस पर्सन अ सम ऑफ रुपीज दिस दिस दिस, एंड उसके बाद उसका अमाउंट फिगर में और वर्ड में लिख देते हो और डेट डाल देते हो। तो आपने ऑर्डर किसको किया? आपने ऑर्डर किया बैंक को। पे किसको करना है? थर्ड पार्टी को, या खुद को भी कर सकते हो। अगर मैं लिखूंगा पे सेल्फ, तो आई ऑर्डर यू टू पे मी ऑन द स्पॉट जितने भी टाइम के अंदर देना है। उसके अंदर कोई टाइम बाउंड नहीं है, उस चेक की वैलिडिटी होती है एक, ठीक है। अपने घर में अगर चेकबुक है तो यहाँ पे स्टॉप करके दो मिनट चेक ले लो अपने हाथ में, उसको देखो क्या लिखा है उसके ऊपर। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर, इट इज ड्रॉन अपॉन स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेएबल ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रस्ट ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो। अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स चेक विच कंटेन द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ अ प्रॉपर चेक एंड इज जनरेटेड रिटर्न और साइन इन अ सिक्योर सिस्टम एंश्योरिंग द मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड विद द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंड असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। आज की डेट में हम क्योंकि डिजिटलाइज हो चुके हैं, तो हर चीज़ अपने पास हम फिजिकल रखते नहीं है। हम कहते हैं कि सर ऐसा करो, आप हर चीज़ को आप इलेक्ट्रॉनिक कर दो। तो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक चेक भी होते हैं जिसपे आपके डिजिटल सिग्नेचर भी हम रख करके दे सकते हैं। बट आज की डेट में हम और एडवांस हो गए, अब तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह सब करते हैं। तो चेक नॉर्मली बिजनेस हाउसेज यूज़ करते हैं। और बिजनेस हाउसेस उसको यूज़ करते हैं। अ ट्रंकेटेड चेक मीन्स, अब ये थोड़ा सा बढ़िया देखिएगा, ट्रंकेटेड चेक क्या होते हैं? अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल इधर बाय द क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक वेदर पेइंग और रिसीविंग पेमेंट इमीजिएटली और ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन सब्सटीट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन द राइटिंग। अब इसमें आता है एक नाम आता है क्लियरिंग हाउस। ये आप कई बार स्टॉक मार्केट में कई नाम सुनते हैं, क्लियरिंग हाउस कौन है? क्लियरिंग हाउस मीन्स दैट क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अ क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज एज सच बाय द RBI। अ चेक इज अ स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट इट हैज द फॉलोइंग टू एडिशनल क्वालिफिकेशंस। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है, ऑर्डर करना होता है, लेकिन इसमें दो एडिशनल चीजें आती है। नंबर वन, इट इज ऑलवेज ड्रॉन अपॉन स्पेसिफाइड बैंकर, आप अपने बैंक को ऑर्डर देते हो। एंड इट इज़ ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब जब चेक आपको बैंक में दिया जाएगा तो ही बैंक आपको पैसे देगा, वरना पैसे नहीं देगा। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो जी, हाँ जी आपको पैसे देने, क्यों देने? ये लो जी चेक, ओके एविडेंस। वो ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मतलब काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है, एक इंसान आया, ये लो जी चेक पेमेंट करो, तो वो उसने चेक दिया, उसको बोलते हैं डिमांड करना। There are three parties to bill of exchange. Number one, the drawer. Second is drawee. And third is payee. देखा जाए तो वही चीज़ आ गई ना, बिल ऑफ एक्सचेंज की तीन पार्टियाँ, चेक की भी तीन पार्टियाँ, लेकिन ड्रॉअर कौन होगा? हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ड्रॉई सिर्फ बैंक होगा और पेई जो भी डिमांड करेगा। तो कस्टमर हु साइन द चेक, द बैंक टू हुम द चेक इज ड्रॉन अपॉन, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई। चेक में रिक्विजिशन क्या होती है? A check must be in order in writing. It must contain an unconditional order. Unconditional, यानी बैंक को भी धमकी दे रहे हो, बैंक पेमेंट तब करना जब वो मेरा ये काम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आपने जिसका नाम लिख दिया बैंक उसको पेमेंट कर देगा। A check must be signed by the maker. The amount must be specifically mentioned in figures and words. आपको पता ही होगा recently बहुत सारे changes आए हैं, अब तो ये भी changes आ गए हैं कि पूरा चेक आपको एक ही तरीके से पेन से लिखना पड़ेगा, दो अलग अलग पेन से नहीं लिख सकते। इवन कलर ऑफ द, जैसे ब्लू लिखते हो तो जो पेन यूज़ किया गया है उसी पेन से आपने डेट भी लिखनी है, उसी पेन से अमाउंट फिगर वर्ड्स और सिग्नेचर सब एक ही पेन से होने चाहिए ताकि फॉर्जरी के चांसेस कम हो जाए। अब ये मत कहना सर वैसे कम फ्रॉड होते हैं क्या, ठीक है हम उस पर नहीं जाते, फ्रॉड तो बहुत भरे हुए दुनिया में। अ चेक मे बी ड्रॉन पेएबल टू ऑर्डर और बेयरर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चेक प्रिवेलिंग नाउ डेज, दे आर इट मे बी अ बेयरर ऑफ और ऑर्डर चेक। अगर कोई लिखता है पे नितिन गोयल तो ये हो गया ऑर्डर चेक, लिखता है पे सेल्फ ये हो गया बेरर,
सेल्फ का मतलब जिसके पास भी है वो सेल्फ हो गया, एंड इट मे बी ए सेल्फ चेक ऑल्सो। द चेक मस्ट कंटेन द डेट एंड पे टू बी सर्टेन, किसको पैसे जाएंगे वो सर्टेन होना चाहिए, नहीं तो आप सेल्फ लिखे होंगे तो भी सब जो लेगा वो अपना नाम लिखेगा पीछे कि मैं लेके जा रहा हूँ। हु कैन क्रॉस अ चेक, अब क्रॉस का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके चेक के ऊपर कई बार पेरेंट्स जो हैं जब आपके स्कूल की कॉलेज की किसी जगह की कोई पेमेंट करते हैं तो उसके कोने में लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर पे हम दो लाइनें खींचते हैं, और दो लाइन के सैंपल दिखाऊँ तो इसमें होंगे तो ये ऐसे देखो, ये ऐसे सैंपल दिखा रहा हूँ कि ये चेक के कॉर्नर में ना लाइनें खींचते हैं दो, इनका मतलब क्या होता है अभी आते हैं उस पर। एज वी हैव डिस्कस अबव, बाय क्रॉसिंग द चेक द ड्रॉअर इंस्ट्रक्ट द बैंकर टू नॉट टू पे इट ओवर द काउंटर बाय ओनली क्रेडिट टू द अकाउंट। इसमें क्या होता है, जैसे आप दो लाइन खींचते हो ना उसके ऊपर क्रॉस कर देते हो, उसका मतलब है कि आप किसी को पर्सनली हैंड ओवर कैश नहीं करोगे, आप उस इंसान के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे। इट एड टू द सिक्योरिटी एंड दस इंश्योर्स पेमेंट टू पे ई ओनली और टू हिज ऑर्डर। अ चेक मे बी क्रॉस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, द ड्रॉअर कैन और द होल्डर ऑफ द चेक कैन ऑल्सो पुट लाइन। मैंने अगर किसी के नाम पर चेक काटा तो मैं भी लाइन खींच सकता हूँ कि भैया तेरे अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, और जिसको चेक मिला है वो भी कह सकता है कि मेरे पास टाइम तो है नहीं कलेक्शन का, मैं दो लाइन मार के अपने अकाउंट में जमा कर देता हूँ। तो वो दो लाइन मारेगा और पीछे लिख देगा उसके पीछे अपना अकाउंट नंबर, तो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अ बैंकर इन हूज फेवर द चेक हैज बीन क्रॉस स्पेशली मे अगेन क्रॉस इट स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर बैंकर, द लेटर बैंक इज सच इन सच अ केस एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फॉर्मर। बैंक भी इसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर बैंक क्रॉस करेगा तो आपको बताएगा नहीं। ड्यू डेट ऑफ अ बिल और नोट, अब इनकी ड्यू डेट के अंदर मतलब क्या होता है, कुछ ग्रेस पीरियड टाइप भी होते हैं। एवरी इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल टू 3 days ऑफ ग्रेस। ये अगर आप लोगों ने 11th में कॉमर्स थी और उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा था तो उसमें लिखा था ना कि जो पेमेंट डे थी उससे 3 दिन का आपको ग्रेस मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो नॉट एंटाइटल टू पीरियड ऑफ ग्रेस आर, जिसको ग्रेस नहीं मिलेगी वो कौन है, नंबर वन चेक, अगर चेक पे लिखा हुआ है डेट लिखी है 15th October 2019, अब वो चेक वैलिड है 3 महीने के लिए, तो अगले 3 महीने जहाँ पे वो 3 महीने एग्जैक्ट ख़त्म हो जाएंगे ना उसके बाद उस चेक की वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है या प्रॉमिसरी नोट होता है तो 3 दिन की ग्रेस मिल जाती है। अब बिल और नोट पेबल ऑन डिमांड, अगर ऑन डिमांड बिल या प्रॉमिसरी नोट है तो भी कोई पीरियड ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा। अब बिल और नोट इन विच नो टाइम इज मैंशन, किसी पर टाइम ही नहीं लिखा, तो जब टाइम ही नहीं लिखा तो ग्रेस की बात कहाँ से कर रहे हो, जब 1 साल 1.5 साल जब भी देते ना। इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल टू पीरियड ऑफ ग्रेस, किस किस को पीरियड ऑफ ग्रेस मिलेगा 3 दिन का, नंबर वन अ बिल और नोट पेबल ऑन ए स्पेसिफाइड डे, जिस पे लिख दिया डेट, इस डेट पे पैसे दे देना तो उसके अगले 3 दिन तक पैसे दे सकते हो। अ बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट, अ बिल और नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड ऑन हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट, अगर वो इवेंट हुआ तो जब इवेंट होगा उसके भी 3 दिन तक आपको ग्रेस मिल सकती है। सो इन केस ऑफ टाइम बिल और नोट इट बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ग्रेस पीरियड वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट। ये एग्जांपल आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा इस पैराग्राफ को, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं आता हूँ सीधा नेक्स्ट, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजिशन देयर ऑफ। चेक किसके नाम पे था, वो आया ड्यू डेट पे और हमने गुड फेथ पे और उसको विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ एनी पर्सन हमने उसकी पेमेंट उसको कर दी। द पेमेंट टू द पर्सन इन पोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी अंडर सर्कमस्टेंसेज विच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग that he is not entitled to receive the payment of the amount mentioned in the instrument। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, हम ये मानते हैं कि जब वो चेक लेकर आया या बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर आया या प्रॉमिसरी नोट लेकर आया तो उसका कोई ग्राउंड नहीं है कि हम उस पर शक करेंगे कि ये वो आदमी नहीं है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अ पेमेंट इज सेट टू बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब इस पर ना बड़े क्वेश्चन पेपर में आते हैं
कि होल्डर इन ड्यू कोर्स की कंडीशन क्या होती है, उसमें तीन कंडीशन पढ़ाई थी आपको मैंने। अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स की क्या कंडीशन होगी, उसके अंदर हमारे पास पांच कंडीशंस हैं। नंबर वन, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अ पेमेंट बिफोर मेच्योरिटी डेट इज नॉट अ पेमेंट अकॉर्डिंग टू द अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नंबर वन, जो पेमेंट आपको दी जा रही है वो विद इन द स्पेसिफाइड डेट दी जा रही है। नंबर टू, इट इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉई और एक्सेप्टर। ड्रॉई कौन होगा बिल ऑफ एक्सचेंज केस में, एक्सेप्टर कौन होगा प्रॉमिसरी नोट के केस में, तो वही पेमेंट लेने आ रहे हैं। इट मस्ट बी मेड इन मनी टर्म ओनली विच इंक्लूड्स चेक एंड करेंसी नोट। द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट पेमेंट इन एनी अदर मोड एक्सेप्ट विद द कंसेंट। तो सर आपको हमें पेमेंट देनी है, ये लीजिए आपकी पेमेंट। किसी और तरीके से कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए पहले आपको कंसेंट लेके आनी पड़ेगी, किसकी, पहले केस में ड्रॉअर की, दूसरे केस में प्रोमिसर की या मेकर की। थर्ड, इट इज मेड टू द पर्सन इन पोजिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो एंटाइटल टू द पेमेंट। किसको पेमेंट की जाएगी, या तो जिसके हाथ में वो चेक या ड्राफ्ट या फिर प्रोमिसरी नोट हो, या जिसको पेमेंट मिलनी चाहिए अगर आपने वो एंडोर्स कर दिया था आगे तो। इट इज मेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस एंड अंडर बोनाफाइड सर्कमस्टेंसेस। इफ अ चेक बेयर्स फोर्स्ड सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर, द पेमेंट विल नॉट बी अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर झूठे सिग्नेचर थे और पेमेंट करने की उम्मीद आ रही है तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाएगी। देर इज नो ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द पोजेसर इज नॉट एंटाइटल टू रिसीव पेमेंट। और ऐसा कोई शक नहीं हो रहा कि हाँ इसको पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये अगर पांच कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो पेमेंट क्या बन जाएगी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो कई बार शॉर्ट नोट वगैरह में आता है डिफाइन पेमेंट इन ड्यू कोर्स और होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो आपको ये सारे कंडीशंस ऊपर जो पढ़ाई थी पहले वो और ये कवर करनी है। आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का डिफरेंस दे रखा है, ये कई बार एग्जाम में आता है। तीनों में पार्टीज कौन कौन सी होती है हम पढ़ चुके हैं सभी, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा दोबारा, ये सामने रखा हुआ है ताकि एक बार आप नज़र मार लें इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। इसका नेचर कैसा है आपको याद है, प्रॉमिस नोट में प्रॉमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, दूसरे वाले में भी ऑर्डर होता है, एक्सेप्टेंस। अगर मैंने प्रॉमिस किया तो उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चेक नॉट नेसेसरी। लाइबिलिटी किसकी पेमेंट की है, नोटिस ऑफ डिसओनर को कौन देगा नहीं देगा, नेसेसरी है या नहीं है, पेएबल ऑन डिमांड इवन टू द बियरर, क्रॉसिंग सिर्फ चेक में पॉसिबल होता है क्रॉसिंग, उसके अलावा किस चीज़ में क्रॉसिंग नहीं होती, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसओनर। नोटिंग का मतलब होता है कि अगर आपका कोई, स्पेशली सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसओनर हो गया, मतलब ऑन द ड्यू डेट उसने कहा भाग यहाँ से पेमेंट नहीं दे रहा मैं आपके, वो डिसओनर हो गया, तो आप उसको नोटरी के पास जाके नोटिंग करा सकते हो और फिर कोर्ट में उसको स्यू कर सकते हो। ग्रेस पीरियड सब में अवेलेबल है 3 दिन का, सिर्फ चेक में नहीं है, 3 दिन वाला ही होता, ठीक है। अदर फीचर्स ये सब आपके नॉर्मल है, इसको आपने समझना है और पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जितना आपको पढ़ा रहा हूँ इसको प्लीज़ आप पढ़िए, अपने दिमाग में अच्छे से बिठाइए। छोटे छोटे लेक्चर इसलिए ताकि बहुत लंबे लंबे लेक्चर के लिए आप टाइम निकाल ना पाओ तो बोर हो जाओ कहीं, तो इसको आप प्लीज़ ढंग से पढ़ो। और नेक्स्ट क्लास में आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक विद दिस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और फिर मैं शुरू करूँगा उसके बाद, या तो मैं शुरू करूँगा पार्टनरशिप एक्ट या मैं शुरू करूँगा इंडस्ट्रियल लॉ, मतलब जिसका भी देखूँगा कि बच्चों की डिमांड ज़्यादा कहाँ पर आ रही है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट नॉर्मली स्टूडेंट्स ने जो कॉमर्स साइड से आते हैं उनको समझ जल्दी आ जाता है, तो कई बार स्टूडेंट जो बोलते हैं वो बोलते हैं सर इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ा दो, तो शायद मैं इंडस्ट्रियल लॉ शुरू करूँगा, पार्टनरशिप एक्ट बाद में करूँ, बट आई विल स्टार्ट समथिंग, आई विल स्टार्ट वंस आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर आफ्टर कंप्लीटिंग द क्रॉसिंग पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा एक ही टॉपिक रहेगा, दैट इज़ क्रॉसिंग। आज के लिए यहाँ तक आप पढ़ो और नेक्स्ट क्लास में क्रॉसिंग ख़त्म करके अपना फ्री हो जाओ इस चैप्टर से, और प्लीज़ इस बुक को जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ अच्छे से, इसके जितने भी ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जितने भी दे रखे ना सारे करना, उससे आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी इस सब्जेक्ट में कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम टाइम पे। आपने कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेलना, लेकिन मार्क्स तो आप ही को लेने हैं ना,
और थ्योरी पेपर में याद रखना, जितना छोटा छोटा याद करोगे उतना बड़ा बड़ा लिख पाओगे। मैं रिपीट करता हूँ, जितना छोटा छोटा लिख याद करोगे उतना बड़ा बड़ा लिख पाओगे। तो छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन सबको आपने पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्रॉसिंग भी सिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है? ऑल राइट, तो कल तक के लिए बाय बाय करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और जल्दी से पढ़ाई करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबा दो और दोस्तों को शेयर जरूर करो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ही चैनल बढ़ेगा आगे, और जितना चैनल आगे बढ़ेगा उतना ही मैं मोटिवेट रहूँगा आपको और पढ़ाने के लिए, ना सिर्फ आपको, आपके आने वाले छोटे भाई बहनों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को और पढ़ाने के लिए। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।